स्वयं सहायता समूह की दीदियों के लिए एक बार फिर से एक नई महत्वपूर्ण जानकारी लेकर हाजिर हूँ। दीदी, अगर आप स्वच्छता सखी की नौकरी करना चाहती हैं तो आपके लिए यह वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है। दीदी, स्वच्छता सखी की नौकरी आपको कैसे मिलेगी, मानदेय कितना मिलेगा, किस हिसाब से मिलेगा? क्योंकि दीदी, उत्तर प्रदेश के 72 ग्राम पंचायतों में स्वच्छता सखी की नौकरी स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को दी जा रही है और साथ में जो है उनको ट्रेनिंग भी दिया जा रहा है। पूरी जानकारी आज आप सबको इस वीडियो के माध्यम से मिल जाएगी, तो वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ये देखिए दीदी, स्वच्छता सखी की नौकरी को लेकर के उत्तर प्रदेश में एक नई अपडेट आई हुई है, आप सब देख सकते हैं। ये देखिए, गोरखपुर में नया प्रयोग, ग्राम पंचायतों में घरों से कूड़ा एकत्रित करेंगी स्वयं सहायता समूह की महिलाएं। गोरखपुर जागरण संवाददाता, गाँव को साफ सुथरा बनाने में सहयोग करने के साथ महिलाएं आय भी अर्जित करेंगी। तरल एवं ठोस कचरे से खाद बनाने के लिए घर घर से कूड़ा एकत्रित किया जाएगा, इसकी जिम्मेदारी स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को दी जाएगी। घरेलू कचरे के लिए 50 रुपया, जबकि दुकानों से निकलने वाले कचरे के लिए 100 रुपया प्रतिमाह शुल्क दिया जाएगा। जिले के 72 ग्राम पंचायतों में यह योजना पायलट प्रोजेक्ट के आधार पर लागू की जा रही है। यानी जो समूह की दीदियां कूड़ा कलेक्शन का कार्य करेंगी डोर टू डोर, दरवाजे पे जा करके, यदि दीदियां घर का कूड़ा एकत्रित कर रही हैं तो एक घर का 50 रुपया दिया जाएगा। यहां पे आप सब देख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद दुकानों से निकलने वाले कचरे के लिए जो है दीदियों को जो है 100 रुपया प्रतिमाह दिया जाएगा, यहाँ पे आप सब देख सकते हैं। उसके बाद जिले के 75 ग्राम पंचायतों में यह योजना पायलट प्रोजेक्ट के आधार पर लागू की जा रही है। ये देखिए, पायलट प्रोजेक्ट के आधार पर चयनित किए गए जिले के 72 गांव, पायलट प्रोजेक्ट के आधार पे जो है जिले के 72 गांव को जो है चयनित कर लिया गया है। यहां पे देखिए, जिले के हर ब्लॉक से 2-2 ग्राम पंचायतों को इस काम के लिए चयनित किया गया है। परफॉर्मेंस ग्रांट पाने वाले 32 ग्राम पंचायतों को इसमें शामिल किया गया है। ग्राम पंचायतों में महिला समूहों को उनकी इच्छा के मुताबिक यह जिम्मेदारी सौंपी जाएगी। इसके लिए आजीविका मिशन से जुड़ी महिला समूहों को तैयार किया जा रहा है। प्रत्येक महिला समूह की जिम्मेदारी होगी, वे अपनी ग्राम पंचायत में हर घर से गीला और सूखा कचरा अलग अलग एकत्र करें। इसके लिए उन्हें हाथ गाड़ी भी प्रदान की जाएगी, यानी ई रिक्शा भी दिया जाएगा। ई रिक्शा के माध्यम से वो जो है कूड़े का कलेक्शन करेंगी और आरआरसी सेंटर में ले जा करके रखेंगी। पायलट प्रोजेक्ट को सफल बनाने के लिए पंचायती राज विभाग की ओर से जागरूकता अभियान संचालित किया जाएगा। हर घर एवं दुकान से मासिक शुल्क निर्धारित होगा। यदि एक से अधिक परिवार की रसोई अलग अलग होगी तो सभी को 50-50 रुपए दिए जाएंगे। अभियान को सफल बनाने के लिए सफाई कर्मचारी भी महिला समूहों की मदद करेंगे। पंचायती राज विभाग इस काम के लिए ग्रामीणों को जागरूक करेगा। घर घर से लाए कूड़े को एक जगह एकत्र किया जाएगा और वहां से कंपोस्ट पिट में डालकर उसे जैविक खाद बनाई जाएगी। यानी कूड़े का जो है जैविक खाद बनाया जाएगा और कूड़े को जो है एक जगह रखा जाएगा। कूड़े को रखने के लिए ग्राम पंचायत में कूड़ा दान बनाया जाएगा। घर घर से कूड़ा कलेक्ट किया जाएगा, उसी कूड़े दान में ले जा करके रखा जाएगा। इसके लिए सरकार ई रिक्शा भी देगी। तो दीदी, प्रत्येक घर से और दुकानों से जो कूड़ा जो है कलेक्ट किया जाएगा, उस कूड़े से जो है जैविक कम्पोस्ट खाद भी बनाई जाएगी। तो यहाँ पे देखिए, खाद को बेच कर भी आय अर्जित की जाएगी। जिला पंचायत राज अधिकारी हिमांशु शेखर ठाकुर ने बताया कि 72 ग्राम पंचायतों को पायलट प्रोजेक्ट के लिए चुना गया है। इन गांव में कूड़ा एकत्र करने की जिम्मेदारी स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को दी गई है, इससे महिलाओं की आय भी बढ़ेगी। तो देखिए दीदी, स्वच्छता सखी की नौकरी उसी दीदी को मिलेगी जो दीदी स्वयं सहायता समूह से जुड़ी होंगी। तो योग्यता की बात करें तो इसमें कोई योग्यता नहीं मांगी गई है, अनपढ़ महिलाएं भी इस कार्य को कर सकती है। मानदेय की बात करें, जो दीदी
कूड़ा कलेक्शन का कार्य करेंगी उनको कितना मानदेय मिलेगा। तो देखिए दीदी, मानदेय इनका फिक्स नहीं है कि प्रतिमाह इनको इतना मानदेय मिलेगा, कार्य के ऊपर इनको मानदेय दिया जाएगा। तो यहाँ पे देखिए बताया गया है, घरेलू कचरे के लिए 50 रुपया, एक घर से जो है अगर कूड़ा कलेक्शन करेंगी तो 50 रुपया, जबकि दुकानों से निकलने वाले कचरे के लिए 100 रुपया प्रतिमाह शुल्क दिया जाएगा। ठीक है दीदी, इसी हिसाब से इनको मानदेय दिया जाएगा। इसी प्रकार से आप जितने घर से कूड़ा कलेक्ट करती हैं, इकट्ठा करती हैं, आप उस हिसाब से काउंट कर सकती हैं, इसी हिसाब से आपको मानदेय दिया जाएगा। तो दीदी, स्वच्छता सखी की नौकरी को लेकर के यही अपडेट आई हुई है। ग्राम पंचायत में स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को स्वच्छता सखी की नौकरी दी जा रही है। तो अब बहुत सी दीदियों के मन में ये सवाल जरूर होगा कि हमारे ग्राम पंचायत में ये नौकरी कब आएगी, हम लोगों को ये नौकरी कब मिलेगी। तो दीदी, हम आप सबको बता देते हैं, यह नौकरी सभी ग्राम पंचायतों में आएगी और स्वयं सहायता समूह की ही महिलाओं को यह नौकरी दी जाएगी, क्योंकि सरकार सभी ग्राम पंचायत में कूड़ादान बनवा रही है, ठीक है, ताकि सभी ग्राम पंचायतें साफ सुथरी रहें शहरों की तरह। तो बहुत जल्द आपके यहाँ भी यह योजना आने वाली है और अलग अलग समय पे अलग अलग ब्लॉकों में अलग अलग नौकरियों के लिए आवेदन मांगे जाते हैं दीदी। तो अगर आप यह नौकरी करना चाहती हैं तो आप लोग भी अपने अपने ब्लॉक पे जानकारी करते रहिए। तो दीदी, अगर आपके यहाँ भी यह नौकरी निकली हुई हो तो आप भी आवेदन कर दीजिएगा। तो दीदी, आज की यह वीडियो आप सबको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।